मित्रों नमस्कार। आज आपको दो बड़े डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनके जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में बात करनी है। मित्रों, आपने मोहम्मद उस्मान के बारे में जरूर सुना होगा। आपने 1948 का, 47 और 48 का कबीला युद्ध था, जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ले गया और बाकी हिस्सा अगर बचा, नौशेरा अगर बचा, तो वो मोहम्मद उस्मान के कारण, जिसको नौशेरा का शेर और पाकिस्तान ने जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, ऐसे ही उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान। और उससे पहले कि हम बात करें तो मोहम्मद अंसारी, जो देश के जाने माने सर्जन रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से पढ़े और उसके बाद लंदन गए, फिर उसके बाद एडिनबरा गए। एडिनबरा से उन्होंने एमएस किया और मास्टर ऑफ सर्जरी की, और फिर हिंदुस्तान आए तो नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, ऐसे मोहम्मद अंसारी। और तीसरे, आपने हामिद अंसारी तो आपने जरूर अपनी आंखों से देखे हैं, अभी भी जीवित हैं, देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ऐसे परिवार का मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, जिनको कोर्ट ने मुख्तार को 10 वर्ष और अफजाल को 4 वर्ष की सजा सुनाई। तो मित्रों, ये जो मैंने आपसे चर्चा की इसलिए कि इतना बड़ा खानदान जिसने देश का नाम रोशन किया, आज उसके घर में कैसे कपूत पैदा हो गए कि जो अपराध की दुनिया में ऐसे गए कि पूरा परिवार ही बदनाम किया। और अब मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, वो भी गिरफ्तारी से बचने के लिए मारे मारे भाग रहे, आज सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है। तो इस आपको ये 3 लोगों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो पुराने लोगों के बारे में नहीं जानती है और न वो जानना भी नहीं चाहती है। तो पहले हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी के दादा मोहम्मद अंसारी की। तो मोहम्मद अंसारी, जिनका जन्म 1880 में 25 दिसंबर को मऊ में हुआ था, यानी जो गाजीपुर है आज का, उस गाजीपुर का मऊ, और वहां से उन्होंने चूंकि पढ़ाई करनी थी तो वो मद्रास चले गए थे, हैदराबाद चले गए थे। हैदराबाद से फिर वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में उन्होंने मेडिकल में डिग्री एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद वो एमएस, एमडी और एमएस करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां लंदन में वो रहे और उसके बाद फिर वो 1910 में मास्टर ऑफ सर्जरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा चले गए। फिर लौट कर आए तो देश की राजनीति में शामिल हुए। देश में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त देश में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पुरजोर सपोर्ट किया। और फिर वो जब कांग्रेस में शामिल हुए, इससे पहले कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ये 1916 में जो, जब वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे तो उसमें खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उसमें वो शामिल हुए। और 1927 में, जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आनंदा मोहन बोस थे, ये उस वक्त कांग्रेस के सेशन में शामिल हुए थे। और फिर उन्होंने सत्ताईस के बाद, यानी जब ये मद्रास सेशन हुआ था, तो तब अंसारी ने कांग्रेस के जो प्रेसिडेंटशिप थी वो हासिल की थी, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और इससे पहले वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, लेकिन जब वो दिल्ली आए, मद्रास से दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो तब वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में भी शामिल रहे। तो मुस्लिम लीग का, और उनके नाम पर एक और उपलब्धि है,
कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो अलीगढ़ में जिसकी स्थापना हुई थी उसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा रोल था। बाद में जामिया मिलिया दिल्ली शिफ्ट हो गया जो आज का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन महापुरुषों ने एजुकेशन में भी काम किया, राजनीति में भी काम किया और पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टर भी एमएस थे और एमएस में भी मेडिकल मास्टर ऑफ सर्जरी और वो भी एडनबरा यूनिवर्सिटी से लंदन यूके की। तो इनके पौत्र हैं मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी। ऐसे ही मोहम्मद उस्मान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर आप नहीं सुना तो जरूर सुनिए, इनके बारे में जरूर आप गूगल सर्च कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। मोहम्मद उस्मान ये मुख्तार अंसारी के नाना हैं और मुख्तार का नाम लेने इनका अपमान होगा। मोहम्मद उस्मान ये भारतीय सेना में ब्रिगेडियर है और भारतीय सेना में तो ये अंग्रेजों के जमाने में भर्ती हो गए थे 1934 में ही, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और उस आज़ाद देश में ये ब्रिगेडियर बन गए थे तो इनकी ड्यूटी कश्मीर में लगाई गई थी। और कश्मीर में भी जिसमें मानेकशॉ देश के सेना अध्यक्ष थे और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था और जब राजा हरि सिंह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए थे कि हमें बचाओ, तो तब उन्होंने मानेक शाह को कहा था, जनरल साहब को कहा था कि आप कश्मीर को बचाइए। तो जनरल मानेक शाह ने मोहम्मद उस्मान की ड्यूटी लगाई थी कि आपको ये कश्मीर को बचाना है। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर को कैसे बचाया, क्योंकि आधा हिस्सा वो पहले उन्होंने कबीलाई युद्ध किया था, तो कश्मीर का जो आज का पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये उसमें उन्होंने हत्या लिया था। लेकिन जब बाकी हिस्से को हथियाने के लिए आ रहे थे तब तक भारतीय सेना पहुंच गई, तो उस्मान ने ही, ब्रिगेडियर उस्मान ने ही उनको खदेड़ा दौड़ाया उनको, और उन्होंने पूरी कोशिश कर दी लेकिन नौशेरा को हासिल नहीं कर पाए। तो मोहम्मद उस्मान के बारे में कहा जाता है, इनकी बड़ी रोचक कहानी है जो अगर इनपे फिल्में बने तो, हालांकि इन पर फिल्म बन चुकी है, लेकिन इनका जो एक हीरोइज्म है, जो कैसे उन्होंने अकेले अपने दम पर, जैसे आपने लोंगोवाल का युद्ध देखा होगा, सरदार कुलदीप सिंह का जो जिनका रोल सनी देओल ने निभाया था, इसी टाइप का इन्होंने नौशेरा में काम किया था और पाकिस्तान की सेना को नौशेरा नहीं आने दिया था। तो पाकिस्तान की सेना ने 5 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा था कि जिंदा मुर्दा मोहम्मद उस्मान को पकड़ना है। तो मोहम्मद उस्मान वो लोग हैं, वो हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश की लाज बचाई, कश्मीर को बचाया। और इनकी जब इनका 1948 में इनको गोली लग गई थी, वही नौशेरा में ही, जब युद्ध जीत गए थे वो, रात दिन वहीं रहे। युद्ध जीतने के बाद जब वहाँ जश्न मनाया जा रहा था तो अचानक फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी ने एक रॉकेट छोड़ा और उस रॉकेट के चपेट में मोहम्मद उस्मान आए और उनकी मौत हो गई। और फिर इनकी डेड बॉडी दिल्ली लाई गई थी और आज का जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इनकी मज़ार है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर मोहम्मद उस्मान को श्रद्धांजलि देने जाएं। ऐसे देश के वीर पुत्र, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनके परिवार में यानी नाना जी देश के ब्रिगेडियर, दादाजी देश के कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी, उनके घर में मुख्तार अंसारी पैदा हुआ। और मुख्तार ने जो एक गैंग बनाकर, गैंगस्टर कैसे उन्होंने अपने गाजीपुर के इलाके में एक वो भय, एक आतंक का पर्याय बन गए थे, और कैसे वो लोगों को डराते थे, धमकाते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। और इन्होंने जब बीजेपी के जो एमएलए थे, कृष्णानंद राय, तो कृष्णानंद राय को इन्होंने सरेआम गोली मार दी थी। तो उसी सिलसिले में इनको सजा हुई है और इन पर कुल 61 मामले हैं, टोटल 61 मामले हैं। और इन पर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमला, गाजीपुर के पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले हैं, 12 दस्तावेजी साक्ष्य हैं, 11 इनमें 11 गवाहों ने इनके खिलाफ गवाही दी। और इन पर अभी 8, मतलब पिछले 8 महीनों में
इनको 3 बार सजा हुई है। एक तो इनको जेल जेलर को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को सजा सुनाई गई थी, और इन पर एक जो 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, और उस पर इनको सजा भी 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ। तो कुल मिलाकर ये इनका अपने आसपास के लोगों को धमकाना, डराना, और उस डराने धमकाने के कारण ये और भी पूरा बड़ा बहुत बड़े एक गैंग चलाते थे, इतने बड़े गैंग चलाते थे। तो इनके नाम से लोग डरते थे। तो ये बेसिकली 5 बार तो ये एमएलए रहे, 1996 में बीएसपी से बने, फिर 2002 में ये इंडिपेंडेंट रहे, 2007 में इंडिपेंडेंट रहे, 2012 में इन्होंने एक अलग दल अपना बनाया था, कौमी एकता दल, और फिर बसपा के साथ मिलके फिर इन्होंने ये चुनाव जीते, और 2017 में फिर इन्होंने बसपा के साथ मेल कर लिया, और मऊ से फिर 2022 में फिर एमएलए बने। तो इनके भाई अफजाल अंसारी वो भी बसपा से सांसद हैं, अभी भी वर्तमान सांसद हैं, हालांकि वो कल जब उनको 4 साल की सजा होगी तो सजा उनकी ऑटोमेटिक उनकी मेंबरशिप चली गई होगी, हालांकि अभी नोटिफिकेशन आना बाकी, शायद कल तक आ जाएगा। तो ये मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी, इन दोनों के मामले में आपने देखा कि कैसे ये इनको मुख्तार को 10 वर्ष की सजा हुई है और अफजाल को 4 वर्ष की सजा हुई है, और ये जो 2007 में 15 अप्रैल को 2007 में इन जो ये मुकदमा इन पर चल रहा था ये 2007 का है, और ये जो अफजाल हैं इन पर लोगों को धमकाने का और सबूत नष्ट करने का तमाम इन पर मामले चल रहे हैं। तो मित्रों, ये इतने बड़े खानदान का आदमी अगर कैसे अगर गलत संगत में पड़ जाए तो कैसे उसको वो पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर देता है। और इनका जो बेटा है मुख्तार अंसारी का, दूसरे नंबर का बेटा, वो हेट स्पीच के मामले में उसके खिलाफ एफआईआर लॉज हुई है, और उसको कोर्ट ने जब गिरफ्तारी वारंट किया तो आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, याचिका दर्ज कर दी है। तो अब बेटा भी जो है जेल जाएगा, तो अब सोचिए कि कैसे इतने बड़े खानदान का जो वारिस है कैसे उसने बदनामी की, और अपने पूरे खानदान को उन्होंने, आप सोचिए कि एक पीढ़ी राजनीति से दूर हो गई, क्योंकि अब मुख्तार चुनाव लड़ नहीं सकता, अफजाल को सजा हो गई है वो भी अब राजनीति में नहीं रहेगा, और जो मुख्तार का दूसरा बेटा था जो थोड़े से राजनीति की तरफ जा रहा था उसको एफआईआर हो गई है, उसके पीछे अब पुलिस पड़ गई है, तो उसको मुझे लगता है कि राजनीति कैरियर खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के अलावा एक और जो बड़ा चर्चित केस अभी हाल में हुआ है वो है अतीक का। अतीक को पहले अतीक ने भी एक विधायक को गोली मार दी, राजू पाल को, और उसी में उनको आजीवन कारावास हुआ, और जो उमेश पाल का उन्होंने अपहरण किया था उसमें भी इनको सजा हुई थी, तो इनको आजीवन कारावास की सजा थी। लेकिन इनको पिछले 17 मई को 3 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और इनकी हत्या कर दी, इनकी और इनके भाई की, अशरफ अहमद की, तो इनकी दोनों भाइयों की हत्या हुई, ये मामला आया चर्चा में। अब इसमें सवाल यह है कि इनकी हत्या किसने की, क्या इसके पीछे एक राज था, और ये भी एक सवाल है कि अतीक अहमद ने जो अपना गैंग तैयार किया था, जिसकी गद्दी उन्होंने संभाली थी, वो गद्दी कैसे उनके हाथ से फिसल गई, और कौन लोग हैं जिन्होंने उसको फंसवाया। तो दरअसल अतीक अहमद का जो गैंग है उसी गैंग ने ही अतीक अहमद को ख़त्म किया, जो हम बाहर देख रहे हैं उमेश पाल और राजू पाल की हत्या का मामला तो है ही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत जो ये गैंग D-144 है, इसका नाम जो इन्होंने रखा था, जो हाजी याकूब कुरैशी एंड फैमिली का गैंग D-144 बनाने के बाद पुलिस ने पूरे परिवार की निगरानी शुरू कर दी थी। और ये जो अतीक अहमद है उसका जो गैंग है उसके गैंग में
उसके जो सदस्य थे, इसी गैंग के ही सदस्यों ने पुलिस को मुखबरी करनी और उसको एफआईआर जो उन्होंने कराई उसके गैंग के ही लोगों ने कराई। और इसमें जो अतीक की हत्या के बारे में भी उसके गुर्गे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अब पहले तो जो एफआईआर हुई वो तो हुई, लेकिन अब उसके गुर्गे अब दर्ज करा रहे हैं मरने के बाद भी। तो उसमें आईएएस 227 गैंग, यानी जो पूर्व मंत्री याकूब है उसका गैंग का नाम है D-144, और जो अतीक अहमद का गैंग है उसका नाम है IAS-227, और उसमें टोटल 137 सदस्य हैं जिनकी पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन किया है। और उसमें तो अतीक अहमद का सबसे करीबी आबिद प्रधान राजू बोल हत्याकांड समेत अनेक मुकदमों में नामजद है। अतीक ने आबिद के दामाद जैद को प्रयागराज से अगवा कर देवरिया जेल में पीटा था। इससे उसकी बीच दूरियां बढ़ी और पुलिस ने जैद की मदद की तो अतीक पर उसने एफआईआर दर्ज करा दी। अतीक ने धमकाया तो एक और एफआईआर दर्ज करा दी। यानी अतीक अहमद का जो डाउनफॉल हुआ है वो अतीक के सबसे करीबी आबिद ने शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जैद को धमकाया था जो उसका दामाद था। तो वहां से इनमें दुश्मनी शुरू हुई और उस दुश्मनी के कारण उस पर पहली एफआईआर और फिर दूसरी एफआईआर, दो एफआईआर जो हुई उसके करीबी ने की। साडू के बेटे अली पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। अतीक का साडू इमरान उसके लिए काम करता था, बाद में उसने दूरी बना ली। माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इमरान के भाई जिशान ने अतीक के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज किया जो अभी बरेली जेल में बंद है। तो बेटे पर भी मुकदमा हुआ, वो जेल में चला गया। बाप पर मुकदमे हुए, वो जेल में रहा। और उसके बाद जो दूसरी एफआईआर है, पहली एफआईआर बरेली में दर्ज हुई, दूसरी एफआईआर पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज हुई और अली को नामजद किया गया। दोनों मुकदमों में अली अभी जेल में बंद है। अतीक अहमद के गैंग से जुड़ा बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम उसका फाइनेंसर रहा है। अतीक अहमद की हत्या के बाद मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के दोनों बेटों समेत 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, जिस बिल्डर ने करोड़ों रुपए कमाए अतीक के नाम पर, आज वो उनके बेटों के खिलाफ एफआईआर लॉज करा रहा है। तो एसआईटी हत्याकांड में अब तक किसी चौथे आरोपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस जांच में अगली कड़ी में प्रत्यक्षदर्शियों पुलिस कर्मियों का पंचनामा करने वाले 5 लोग और उनका एफआईआर, इनकी जो एफआईआर हुई थी उन पर उनके लोगों की बयान ले रही है, ताकि उसकी जो हत्या हुई है अतीक की उसकी जांच एक सही दिशा में जा सके। तो अतीक अहमद का जो गैनर है ते शाम पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, और यूपी पुलिस का सिपाही रहा हैते श्याम अतीक के लिए ही अवैध रूप से काम करता था। खुलदाबाद पुलिस आरोपी गनर की तलाश कर रही है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के दो बेटों के अलावा हैते श्याम समेत 6 लोगों पर रंगदारी अपहरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देखिए, अब उनके लोग ही उसको खत्म कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। इसमें जो गुड्डू मुस्लिम का भी नाम आ रहा है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को पकड़वाने के लिए, अतीक के जो ये जो गुंडे हैं जिन्होंने अतीक को गोली मारी, उनको भी कहीं सुराख गुड्डू मुस्लिम भी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम भी इसमें जेल में बंद है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी, लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं। तो मित्रों, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। आपको कैसा लगा जरूर सुझाव दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।